हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज के वीडियो में मूंग दाल बनाएंगे। ये होल मूंग दाल है, टुकड़े वाली भी आती है, लेकिन जो आज हम बनाएंगे वो है होल मूंग। इसको आप कम से कम 2-2.5 घंटे भिगो के रखते हैं तो ये कुछ इस तरह की लगने लगती है। और भिगोने से पहले आपको इसको अच्छी तरह पानी से धोना है। तो इसको मैंने कम से कम 4-5 बार पानी से धो दिया था और ये कुछ अब ऐसी लग रही है, फूल जाती है। तो अगर आपने 1/2 किलो ली है तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लगने लगी। तो चलिए अब हम मूंग दाल बनाने की प्रिपरेशन शुरू। अब ये हमने एक कुकर लिया है और इसमें अब हम जो मूंग दाल हमने भिगो के रखी थी अब हम वो डाल देंगे। देखिए मूंग दाल अब हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें आप नमक हल्दी डालें। देखिए कुकर में मूंग दाल डालने के बाद इसमें आप हल्दी नमक डाल दें। मोस्टली आपको ये मूंग दाल जो है ये उबालनी है। अगर आप कढ़ाई में उबाल सकते हैं कढ़ाई में उबाल लीजिए, वरना प्रेशर कुकर में उबालने से जल्दी भी खाना बनता है। तो चलिए अब हम इसको उबालने का वेट करते हैं और जब ये उबल जाएगी फिर हम इसका तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसका तड़का लगाने के लिए हमें टमाटर चाहिए रहेंगे, प्याज चाहिए रहेगी, लहसुन हमने लिया है, इसमें अदरक जाएगा और ये भाई साहब है हरी मिर्च, बड़ी तेज मिर्च है। तो कितनी डालनी है ये हम देखेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैं पूरी ही डालूँगा। चलिए और दूसरी बात ये कि तो चलिए ये तो हो गया आपका तड़का मारने का सामान। अब इसको हम चॉप करके फिर हम आपसे दोबारा में। तो अब तड़का लगाने के लिए हम लोग गैस के ऊपर एक पैन रख देंगे और इसमें करीबन 1 चम्मच तेल हम डालेंगे। तेल थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ही डालिए जिससे आपकी जो प्याज वगैरह है वो भून सके। अब इसके गर्म होने का थोड़ा वेट कर लेते हैं। प्याज भूनते समय थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल दीजिए जिससे आपकी प्याज थोड़ी सी जल्दी भुन जाएगी। जब प्याज हल्की सी भुन जाए तो इस स्टेज पे आप हरी मिर्च डाल दीजिए। इसमें मैं पहले हरी मिर्च इसलिए नहीं डालता कि वो जल जाती है, तो इस स्टेज पे डालना मैं सही समझता हूँ। तो ये हरी मिर्च डाल के आप इसको अच्छी तरह भूनें। देखिए अब आप इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए। ये थोड़ी मिट्टी वाली कसूरी मेथी थी इसलिए मैंने इसको धो के डाला है छलनी में और इसको आप अब इसके साथ पका दीजिए। ये होना चाहिए आपका मसाला। थोड़ा सा पानी और डालेंगे जिससे ये और अच्छी तरह से पक जाए। ये जो हमने दाल उबाली थी ये इस मोमेंट पे हम इसमें डाल देते हैं। देखिए ये दाल हमने डाल दी है इसमें और इसमें अब हम गरम पानी डालेंगे और इसको अपने मसाले के साथ भूनेंगे। दाल को हम मसाले के साथ तब तक उबलने देंगे जब तक ये दाल टूट नहीं जाए। जब ये दाल बीच में से फट जाएगी तब बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए, तब ये असली दाल बनेगी। अगर आप इसको इस समय ऐसे ही छोड़ देंगे तो इतना टेस्ट नहीं आएगा। इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे जिससे, क्योंकि दाल ठंडी होके और गाढ़ी होती है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा पानी और डाला है।
बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल भी अच्छी नहीं लगती, और अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ी पतली होनी चाहिए और रख के और गाढ़ी होगी। देखिए दाल में अब उबाल आ चुका है और अपनी पसंद के अनुसार ये गाढ़ी पतली होती है, जैसे मुझे इतनी पसंद है और किसके साथ खाना है आपको ये भी ज़रूरी है। अब ये उबाल आ चुका है, अब मैं इसको सिम पे करके थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकने दूंगा और इसका ढक्कन लगा दूंगा।